दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे ना, आपकी स्टेज भी उतनी अच्छी चल रही होंगी। तो मेरा नाम है अनुराग शुक्ला और यहाँ पे देख सकते हो मैं नहा लिया, एकदम फ्रेश हो चुका हूँ और 12 बज रहे हैं अभी। सुबह मैंने पढ़ाई की थी और उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो अभी नहा धो लिया है, फ्रेश हो गया हूँ। और चलिए हम अपनी स्टेज को कम्प्लीट करते हैं एंड आगे आपसे बात करते हैं। कल है मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम एंड यहाँ पर मेरे पास 3 मैथ्स की बुक है। ये आर एस अग्रवाल है एंड ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन की बुक है, मतलब इसमें क्वेश्चंस है दिए गए हैं सारे चैप्टर के रिलेटेड। और ये है एनसीईआरटी, यानी कि टोटल 3 बुक्स हैं जिसको मैं कवर करने का ट्राई करता हूँ। एंड टोटल कर तो नहीं पाता हूँ, बट मुझे जो इंपॉर्टेंट्स लगते हैं एंड उसी टाइप के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं दूसरी बुक से भी एक बार ट्राई कर रहा हूँ करने का। एंड उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा एनहेंस होती है। तो आप भी मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा बुक किया करो। एंड चलिए अभी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ के बैठो ना, पढ़ के जब आराम से थोड़ी देर बैठो तो मन में अच्छा लगता है कि चलो भाई मैंने पढ़ाई की है, अब थोड़ा बैठ सकता हूँ। लेकिन बिना पढ़े ऐसे ही बैठे रहो तो लगता है कि मैं निकम्मा नालायक ऐसे ही बैठा हूँ बिना पढ़े। एंड मैं आपके साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करता हूँ, तो इससे मत समझना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। एंड अगर आपको बुरा लगता होगा तो सॉरी। एंड यहाँ पे देख सकते हो दोपहर का टाइम है एंड यहाँ पे चाय मिल गई मेरे को। एंड चाय मिल गई तो भाई पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। आई एम अ चाय लवर। एंड अभी आपको भी चाय अच्छी लगती है कि नहीं बताना ज़रूर से। एंड कुछ लोग बोलते हैं चाय पीना नुकसान है, तो होगा नुकसान, बट मैं तो पिए बिना नहीं रह सकता, तो वो बात अलग है। सबकी अलग अलग व्यूज़ होते हैं हर चीज़ के रिलेटेड। तो यहाँ पे सच बताऊँ ना यार, तो एग्ज़ाम्स का थोड़ा जो होता है डर ना, वो तो सबके अंदर होता ही और मेरे अंदर भी है। चाहे कोई भी हो, कितना भी पढ़ा हो, कितना भी पढ़ता हो, लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठता है ना, तो एक बार उसको भी डर जरूर लगता है कि अरे भाई क्या जाएगा क्या नहीं। तो वो डर तो सबको रहता है और मुझे भी है, लेकिन क्या करें, प्रैक्टिस करते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी रिज़ल्ट तो टीचर के हाथ में है। एंड आपका भी एग्ज़ाम चल रहे हैं कि नहीं? एंड अगर आपको भी मेरे स्कूल के अगर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए मैथ्स के, तो मैं बताओ आपको कमेंट में बता देना, मैं आप कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे जो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ना, इसलिए फोकस थोड़ा अच्छा सा नहीं हो पाया था, इसलिए कभी ब्राइट कभी डार्क ऐसे दिख रहा है, तो उसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं कैमरा से शूट करूँ, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट दिखाओ, तभी तो मैं कैमरा खरीदूँगा एंड तभी मैं आपको कैमरा से शूट करके दिखाऊँगा, तो फोकस भी एकदम अच्छा आएगा। लेकिन अभी तो कोई कुछ नहीं दिलाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे कोई सक्सेस मिला ही नहीं है यूट्यूब साइट से। एंड यूट्यूब मैं इसलिए करता हूँ थोड़ा मोड़ा कि कुछ एक्टिविटीज़ में करता रहूँ। एंड मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं वीडियोस बनाऊँ दिखावा करूँ, मेरा जस्ट एक हॉबी है। एंड मुझे ये भी अच्छा लगता है कि अगर आप लोग एक भी लोग मेरे वजह से मोटिवेट हुए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड ये छोटी मोटी बात नहीं है कि मेरे वजह से कोई मोटिवेट हो, और तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है अगर ऐसा कोई अगर कुछ हुआ तो। और आप लोग भी बताना क्या सच में आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट होते हो। तो फाइनली यहाँ पे जो मेरा मैथ्स का रिवीजन था, टोटल ऑल चैप्टर्स आई हैव कंप्लीटेड नाउ। एंड अगर अभी टाइम की बात की जाए, तो टाइम जो हो रहा है अभी आपको दिखाई देंगे टाइम, चलिए आपको दिखाई देते हैं। एंड टाइम यहाँ पे देख सकते हो 5 बज गए हैं, 12 बजे बैठा था, 5 बजे उठा हूँ, ये मत सोचना कि पढ़ता ही रहता हूँ, 1-1.5 घंटे रेस्ट लिया था। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।